बिहार में हूं निवेदिता। 16 दिसंबर 2012 से शुरू हुआ केस 20 मार्च 2020 को खत्म हुआ। समय लगा 7 साल से भी ज्यादा का। कितनी तारीखें, कितनी शिकायतें, कितनी दलीलें, कितनी याचिकाएं, कितना गुस्सा, सब कुछ सहा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक मां ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी और फिर आखिर में जीत भी हासिल की। क्योंकि इसी तारीख पर निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को शुक्रवार सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जिस पल के गवाह बनने के लिए हजारों की भीड़ तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थी। कुछ लोग घर में बैठे टीवी पर दोषियों को फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही इन चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया गया, मानो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। तिहाड़ के बाहर भारत माता की जय के नारे गूंजे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया। वहीं देश के दिग्गजों ने भी निर्भया के दोषियों को इंसाफ मिलने पर खुशी व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, न्याय हुआ है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से इस दिन का सर्वाधिक महत्व है। हमारी नारी शक्ति ने हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमें मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाए, जहां समानता और अवसर पर जोर हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज ये संकल्प लेने का दिन है कि हम एक और निर्भया कांड नहीं होने देंगे। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी निर्भया को मिले इंसाफ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, उन दोषियों को जिन्होंने अब तक के सबसे निंदनीय अपराध को अंजाम दिया, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। काश हम ये पहले ही कर पाते। आज का दिन ये भी चिंतन करने का दिन है कि मृत्यु दंड पाने वाले इन दोषियों को इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बावजूद इस केस को 7 साल तक लंबा खींचने का मौका मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी निर्भया के दोषियों को हुई फांसी को लेकर कहा, न्याय देने में देरी जरूर हुई लेकिन आखिरकार न्याय हुआ। यह ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते रहेंगे और कानून को चकमा देकर भाग निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, आईपीसी और सीआरपीसी में सभी खामियों का खुलासा हुआ निर्भया केस के दौरान। ऐसे मामलों में त्वरित सजा मिलनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, आज एक उदाहरण पेश किया गया लेकिन ऐसा पहले भी किया जा सकता था। अब ऐसे लोगों को पता है कि उन्हें सजा दी जाएगी। तारीखें आगे बढ़ सकती हैं लेकिन सजा मिलेगी। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इसे एक ऐतिहासिक दिन करार दिया। कहा, निर्भया को 7 साल बाद न्याय मिला, उसकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। देश के दुष्कर्मियों को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसे फांसी दी जाएगी। इसके अलावा चारों दोषियों को फांसी देने वाले पवन जल्लाद ने भी इस पर खुशी व्यक्त की। कहा कि मेरे जीवन में पहली बार मुझे चार दोषियों को फांसी देने पर खुशी है। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं ईश्वर और तिहाड़ जेल प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। निर्भया की मां आशा देवी ने भी फांसी मिलने के बाद कहा कि दोषियों की फांसी के बाद महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। हम सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि कोई भी ऐसे मामलों में देरी की रणनीति न बना सके। आपको बता दें कि 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। सुबह 5:30 बजे जैसे ही निर्भया के दोषियों को फांसी हुई और उसके बाद जैसे ही ये खबर तिहाड़ जेल और उसके बाहर खबर का इंतजार करने वालों तक पहुंची तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी के मौके पर अपनी भावनाएं व्यक्त की।